करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पर जिले में आज एक भीषण सड़क का हादसा हो गया है। पेट्रोल डीजल से भरा बीपीसीएल का टैंकर पलटने से उसमें दो लोगों की मौत हो गई है और बता दें कि 23 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इनमें से गंभीर रूप से झुलसे 17 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि खरगोन जिले के विस्टान थाना क्षेत्र के अजन गांव में आज सुबह भयानक हादसा हो गया है, जहां पर पेट्रोल डीजल से भरा बीपीसीएल का टैंकर पलट गया है। टैंकर पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई है और इसकी चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 23 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सभी घायलों को तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आग लग गई है, डीजल या पेट्रोल का टैंकर था यहाँ पे। बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी, उस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुँच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है, वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए।